आप लोग स्नो बायो में एक्सप्लोर कर रहे हो एंड नॉर्मल माइनक्राफ्ट खेल रहे हो, लेकिन तभी आपको पता चले कि कोई आपके ऊपर नजर रखा हुआ है। तो आखिर कौन है ये जो आपके ऊपर नजर रखे हुए है? तो चलो गाइस कुछ ऐसे में ट्राई करते हैं। मैथ नंबर 1। सो गाइस ये वाला मिथ मैंने निकाला है रेडिट पर से, जो कि आप देख सकते हो इस मिथ में क्लियरली बैडलैंड्स में इस पर्सन के साइड में डेड बुशेस अपने आप टूट रहे हैं, यहाँ पे किसी के फुटस्टेप्स आ रहे हैं। तो मतलब ये बीच बीच में स्विंग कर रहा है स्वॉर्ड को, लेकिन कोई हर्ट नहीं हो रहा, यानी कि कुछ तो भी वियर्ड। ब्रो ये क्या हो गया अचानक से? ये कुछ ब्रो ऐसा पॉसिबल भी है? अरे यू सीरियस? काम करते इसको ट्राई करते ये वाला मैं ट्राई करते लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। सो मैं यहाँ पर आ चुकी थी बैडलैंड्स के अंदर, जहाँ पर मुझे कोई अनयूजुअल एक्टिविटी या फिर कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से भाई साहब यहाँ पे लाइटनिंग वाइटनिंग खड़क रही है, हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच बताओ तो मेरा मन तो ये कर रहा है कि मैं ये छोड़ के चले जाऊँ ये वर्ल्ड। सो गाइस बहुत टाइम पास ऑलरेडी हो चुका था एंड यहाँ पर मुझे कोई भी हलचल दिख नहीं रही थी। सो मैंने ये चीज ट्राई की कि गूगल पे से उठाई हुई एक छोटी सी रिचुअल से क्या हमारे वर्ल्ड के अंदर हलचल हो सकती है। हर बाकी रिचुअल के जैसे इस रिचुअल में भी हम लोगों को 4 रेडस्टोन ब्लॉक कुछ इस तरीके से रखने के बाद रेडस्टोन टॉर्चेस का यूज करके इस तरीके से क्रॉस बना के अंदर डेड बुश रखना था। सो यहाँ पे मैंने ये रिचुअल कर तो दिया, अभी देखते हैं लाइक थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये अचानक से ये लाइटनिंग कहाँ से आई? बारिश भी नहीं हो रही, ये लाइटनिंग हुई कहाँ से? नो आइडिया। वापस से ये देखो भाई यार, अभी ये इतने छोटे से रिचुअल की वजह से कुछ हो सकता है क्या यार? इतना मैं सर्वाइवल में कैसे हुई? ब्रो व्हाट? एक सेकंड मुझको यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं सर्वाइवल में कैसे हुआ अचानक से लाइटनिंग हो गई? इतनी छोटी सी रिचुअल से ये सब होना पॉसिबल है? आई एम नॉट इवन श्योर अबाउट दैट। अभी क्रीपर को फोड़ के काम करते, ब्लॉक्स वगैरह कलेक्ट करते क्योंकि मेरे पास पिकैक्स नहीं है। एंड अभी ब्लॉक्स ना ऊपर चढ़ के मैं थोड़ा सा देखती हूं, मैं ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रही, मैं बिल्ड नहीं कर पा रही हूं यहां पे। ब्रो एक सेकंड में मैं एडवेंचर में आ चुकी हूँ, नॉट इवन सर्वाइवल। ये हुआ कैसे? मैं लिटरली अपने सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में अपने आप से ये प्लाइंग कैसे हुई? ब्रो एक सेकंड, मेरे को भी काम होके थोड़ा सा काम करना पड़ेगा क्योंकि ये मैं ब्लाइंड कैसे हो रही हूँ? मैं सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में हूँ लिटरल, यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ वगैरह है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। एक तो यार इस इंसिडेंट के बाद मैं डर तो बहुत गई थी, लेकिन मुझे ये पता लगाना था कि डेड बुश वाला मिथ सच है या नहीं, इसीलिए मैं फिर से इस जगह पर आई और मैंने जैसे तैसे करके क्रिएटिव वापस से लिया। और मेरे यहाँ आने के थोड़ी देर बाद ही ओके अभी तो सब ये क्या ब्रो ये क्या हुआ अचानक से? ये डोंट टेल मी ये सेम चीज हुई है जो मैंने वीडियो में देखी थी। ब्रो ये वेरी सेम थिंग है जो मैंने वीडियो में देखी थी। ये मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा अभी, अचानक से क्या हो यार? तो ये एडवेंचर ना यार, मैं काम करती हूँ, तो मैं गेम मोड क्रिएटिव करने की ट्राई करती हूँ। ओके लेट्स गो क्रिएटिव। ब्रो ये क्या हो रहा है? मेरी गेम पूरी क्रैश हो रही है इसकी वजह से। ये क्या है? ये कुछ ज्यादा ही वियर्ड चीजें लग रही है। इतने सारे डेड बुश इस वे से यहाँ पे कैसे आ रहे हैं? ये रिचुअल की वजह से ऐसी सारी चीजें हो रही है। आई कांट बिलीव दिस। ब्रो लाइटनिंग फिर से, ये लाइटनिंग जब भी हो रही है ना कुछ बुरा हो रहा है। कि ये लाइट वो देखो मेरे सामने जिस वहां पे लाइटनिंग हुई थी, यहाँ पे ये एक रेडस्टोन ब्लॉक और यही बचे हुए हैं, ये खुद टूट गया ये पूरा रिचुअल और लाइटनिंग पे लाइटनिंग हो जा रही है यहाँ पे। बट ब्रो दिस इज सो वियर्ड, दिस इज लिटरली वेरी। ये क्या है? अरे मुझे लिटरली वहां पर कुछ दिखा, मुझे यहाँ पर कुछ दिखा कि यहाँ पे कुछ तो था मेरे सामने। ये देखो फिर से लाइटनिंग, ये मैं क्रिएटिव में हूँ स्टिल आई एम स्कैर्ड। क्या ये लाइटनिंग पे लाइटनिंग गिर रही है? ब्रो देयर इज समथिंग वेरी वियर्ड। मेरे पीछे क्यों आ रही है लाइटनिंग? ये एग्जैक्ट मेरे सामने लाइटनिंग आ रही है। ओके मेरे सामने कुछ था गाइस, रिवाइंड करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्या था मेरे सामने जस्ट आया वो? ये कुछ था लिटरल मेरे सामने कुछ था। ये म्यूटेंट ज़ॉम्बी कहाँ से आया? व्हाट? ये कहाँ से आया? अभी ब्रो इसके ऊपर लाइटनिंग आ रही है। नो वेज ये यहाँ पर ये डेड बुश का चीज है, यहाँ पे लाइटनिंग गिरना एंड अचानक से ये म्यूटेंट ज़ॉम्बी का ये स्पॉरर, दिस इज समथिंग लिटरली वेरी वियर्ड। ये कुछ ज्यादा ही वियर्ड चीजें हो रही है इस वर्ल्ड में। अबे ब्रो ये क्या हो गया? गायब हो गया, ये पूरा ग्लिच हो गई थी इसलिए उसके बाद ये गायब हो गई। क्या चल क्या रहा है ये? ब्रो शीश भाई, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे ना शांति से खड़ी रह जाती हूँ, मेरे को और चीजें नोटिस करनी कि और क्या क्या ऐसी चीज है जो हो सकती है।
यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, ये हो ये लावा कहाँ से आया? ब्रो ये पूरा एरिया लावा में आ गया। हाउ इतना ज्यादा लावा यहाँ पे? ये माइनक्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। ये बैडलैंड्स में हम लोग बहुत बार जाकर आए लेकिन ऐसा नहीं होता है बैडलैंड्स में। ये वो रिचुअल की वजह से, किस चीज की वजह से हम, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही, देखो इतना ज्यादा लावा यहाँ पर भर चुका है। वो ऊपर भी देखो, अभी वापस से ऊपर भी आया। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या वर्ल्ड में? और मैं अभी भी बता सकती हूँ, ये सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में हूँ मैं, जहाँ पर मतलब कोई आ भी नहीं सकता मेरे सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में। ये हो कैसे रहा है? थैंक गॉड कि मैं अभी सर्वाइवल में नहीं हूँ, मैं सर्वाइवल में हो चुकी। वो एक जो छोटा सा प्लेटफॉर्म पड़ा है वहाँ पे ब्लाइट, भाई मेरे को नहीं खेलनी है गेम, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं खेलनी है ये गेम। मैं माइनक्राफ्ट से संन्यास ले रही हूँ, मैं आज के बाद कभी हाथ नहीं लगा उनकी माइनक्राफ्ट को। डेडबुश भाई प्लीज, भगवान जी माफ कर दो यार, मेरे को नहीं खेलना है गाइस, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ओह गॉड भाई, ब्रो मेरे को ब्लाइंडनेस लग गई। नो वे यार, मेरे को फिर से ब्लाइंडनेस लग गई है, मैं जा रही हूँ यार, मैं क्यों यहाँ पे रुकी हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं ये गेम ही क्यों खेल रही हूँ यार, मेरे को मैं शांति से बस शांति। मैथ नंबर 2। सो गाइस ये वाला जो मैथ है ये भी मुझे रेडिट पे मिला था। तो यहाँ पे ये स्नो गोलम उसको मार रहा है। ये इसकी स्किन भी तो देखो, ये स्नो गोलम कितना वियर्ड है। ब्रो ये ऐसा स्नो गोलम मैंने कभी नहीं देखा आज से पहले माइनक्राफ्ट में। ब्रो ये इसके पीछे आ रहा है, नो वेज, ये मैं ट्राई करना बनता है गाइस, चलो ये वाला मैं ट्राई करते हैं। सो गाइस हम एग्जैक्ट सेम लोकेशन पर आ चुके हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पे कुछ मुझे वियर्ड तो दिख नहीं रहा, नॉर्मल सा विलेज है, एंड यहाँ पे स्नो गोलम वगैरह भी मुझे कुछ खास दिख नहीं रहे। तो एक काम करते हैं, इससे पहले जो हमने रिचुअल की थी ना वो सेम रिचुअल करके देखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया था पिछले वाले मिथ में, तो यहाँ पे भी करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमने पिछले बार के जैसे सेम टू सेम रिचुअल करी, बस डिफरेंस ये था कि रेडस्टोन ब्लॉक और रेडस्टोन टॉर्च के बीच में और कुछ नहीं, डेड बुश के सिवा स्नो गोलम समन किया था। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये पम्पकिन या फिर स्नो गोलम बना लिया। ये काफी नॉर्मल सा स्नो गोलम है आई नो, लेकिन अभी देखते हैं ये वाला ना, पिछली बार ये वाला हैक बहुत ज्यादा काम किया था, अब देखते हैं इस वाले मिथ में ये वाली रिचुअल काम करती है या नहीं। सो ये विलेज तो अभी भी बहुत ही लाइक ऐसे काफी नॉर्मल सा विलेज लग रहा है। यहाँ पे आयरन गोलम चल रहा है, यहाँ पे बिमली दी वो गायब हो चुकी है, एंड यहाँ पे घर भी नॉर्मल है, वहाँ पे विलेजर भी नॉर्मल है। लेकिन एक सेकेंड, मुझे डिस्कॉर्ड में से कोई पिंग आया है। अबे ये कौन है, ये तो मेरा फ्रेंड भी ना है, ये कोई रैंडम पर्सन ने मुझे कोई वीडियो भेजा है। एक सेकंड मैं ये वीडियो प्ले करती हूँ। अबे ब्रो ये तो मैं हूँ, मेरा कोई पीछा कर रहा है ब्रो, व्हाट? एक सेकंड मैं स्टिल वही जगह पर रहूंगी ना, रुको। नो वेज, मैथ नंबर 3। सो गाइस हमारा नेक्स्ट मिथ है एक ऐसे विलेज के बारे में जहाँ पर आयरन गोलम्स को पिलेजर से एक कर्स मिला हुआ। सो गाइस इस विलेज के बारे में ये कहा जाता है कि पास में इस विलेज में हुई थी एक पिलेजर रेड, जहाँ पे एक पिलेजर ने कर्स्ड पिलेजर में आयरन गोलम्स पे एक ऐसा ब्लैक मैजिक कर दिया था, जिसकी वजह से आज तक जितने भी आयरन गोलम इस विलेज में बने हैं सारे के सारे स्पूकी बने हैं। ये रहा हमारा विलेज, एंड यहाँ पे मेरे को कोई, यहाँ पे नॉर्मल विलेज लग रहा है यार, ये कोई आयरन गोलम वगैरह दिख नहीं रहा यहाँ पे। बजा बंद कर दिया यार। ब्रो व्हाट, आयरन गोलम है ना, इसकी आंखें भी रेड है, इसकी आंखें भी रेड है भाई। I'm speechless। ये एक्चुअली ऐसे बोलता है, डोंट टेल मी कि इस वर्ल्ड में अभी हीरो ब्रांड भी दिखने लगेगा मुझे, आई डोंट नो भाई यार, वो एकदम कुछ ज्यादा खतरनाक वाला सीन हो जाएगा। हीरो प्राइन का नहीं करना, लेकिन स्टिल भाई ये हीरो प्राइन वाला जो वर्ल्ड है ये थोड़ा सा ऐसा कर्स्ड है। मिथ नंबर 4। सो गाइस हमारा नेक्स्ट मिथ है हीरो प्राइन एंड उसके फेवरेट स्पॉट के बारे में, और यहाँ पे ट्विस्ट तब आता है जब हीरो प्राइन स्टीव को हीरो प्राइन की फेवरेट जगह पे स्पॉट करता है। सो गाइस इस मिथ के अकॉर्डिंग हमें इस जंगल में वो जगह ढूंढनी होगी, सो लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे ब्लड लगा हुआ है, रो, दिस मिथ इज एक्चुअली कंफर्म्ड। सो गाइस अब मैं आपको इस अबैंडन्ड पूल की पूरी स्टोरी बताती हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड, यहाँ का सीड, यहाँ के सारी ए टू जेड सारी चीजें कर्स्ड है, क्योंकि ये हीरो ब्राइन का बर्थ वर्ल्ड है।
जब उसकी बर्थ की टाइमिंग, डेट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे लोकेटेड हैं। सो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि हीरो ब्रायन की ये फेवरेट जगह थी। ये पूल थोड़े टाइम पहले बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पूल हुआ करता था, जहाँ पे हीरो ब्रायन अक्सर आया करता था। हीरो ब्रायन की सबसे पसंदीदा जगह थी ये। चाहे वो दुखी होता, चाहे वो खुश होता, वो हमेशा यहीं आया करता था। लेकिन एक दिन ये हुआ कि जब हीरो ब्रायन यहाँ पे आ रहा था, उस वक्त हीरो ब्रायन ने यहाँ पे स्टीव को देख लिया। जी हाँ, यहाँ पे स्टीव पता नहीं क्या कर रहा था, वो कुछ देख रहा था कि ये कौन सा पूल है, कहाँ से आया, किसने बनाया, किसका पूल है, वो सब वो बस देख रहा था। और हीरो ब्रायन को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया स्टीव पे कि उसने उसी मोमेंट पे स्टीव को मार दिया। तो यही कहानी है इस अबैंडन्ड पूल के पीछे की, कि इस जगह पे स्टीव की डेथ के बाद यहाँ पे ना कोई आया है, ना हीरो ब्रायन खुद यहाँ आया है। ये जगह खाली हो गया, पे आपको कोई एनिमल भी नहीं दिखने वाला है। सो यही स्टोरी है इस पूल की। मिथ नंबर 5। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट मिथ है वो स्पूकी से ज़्यादा तो प्रैंक्स में काम आने वाला ट्रिक है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर हम स्पाइडर्स पे इनविजिबिलिटी का पोशन डालेंगे तो वो इनविजिबल हो जाएंगे, लेकिन उनकी आंखें चमकेंगी। सो गाइस, नेक्स्ट मिथ के अकॉर्डिंग हम लोगों को ढूंढनी होगी एक केव, और उस केव के अंदर हमें ढूंढना होगा एक स्पाइडर। तो उसके अंदर ये मिथ है कि अगर हम स्पाइडर के ऊपर स्प्लैश पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी डालेंगे तो उससे होगा ये कि जो स्पाइडर की आंखें है ना, वो चमकने लग जाएगी। एंड वो ज़्यादा स्पूकी तो होगा नहीं, लेकिन स्टिल इट विल बी अ लिटिल स्पूकी। तो लेट्स गो एंड स्प्लैश इनविजिबिलिटी डाल दो। अरे यार, ऐसा नहीं आता, ये रहा, लेट्स गो। एंड अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम फटाफट से ढूंढते हैं एक केव, स्पेक्टर में जाते हैं एंड लेट्स गो एंड फाइंड अ केव। Okay, so guys, I have found a place. हम लोग यहाँ पे हमारा जो हैक है वो टेस्ट करने वाला है। सो पहले यहाँ पे मैं टॉर्चेस लगा देती हूँ, इस एरिया को मैं कर देती हूँ थोड़ा सा फ्लैट। ओके, सो ये फ्लैट हो चुका है और हमें अभी चाहिए होगा स्पाइडर पॉन एग। ओके, सो हम लोग ट्राई करते हैं हमारा हैक राइट नाउ, एंड मेरे को ना इस हैंड में पकड़ना पड़ेगा इसे। ओके, सो हम लोग पहले स्पॉन करते थे एक स्पाइडर। नमस्ते स्पाइडर जी के, अरे हाँ, हेलो हेलो, नमस्ते स्पाइडर जी, आर यू रेडी स्पाइडर जी? रेडी है? बोल ना रेडी है, बोल ना रेडी है। इससे मारूंगी मैं, ब्लड एक्स से मारूंगी तुझे। ले, तुझे कुछ नहीं देखा गाइस। हेलो स्पाइडर जी, आई नो आप रेडी हो, एंड ये लो। ब्रो, दिस हैक एक्चुअली वर्क्स भाई। इसको ना हम ऐसे उसमें यूज कर सकते हैं, किसी फ्रेंड को ना ऐसे प्रैंक करने में, वी कैन यूज दिस हैक यार। एंड यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर जाते हैं, सबको ऐसे स्प्लैश पोशन मारते हैं। ब्रो, दैट लुक्स सो वियर्ड, दैट एक्चुअली लुक्स सो वियर्ड। पूरा रूम में स्पाइडर से भर रही हूँ यार, सही लग रहा है ब्रो। सो गाइस, आज के वीडियो में हमने बहुत सारे अलग अलग मिथ्स ट्राई किए हैं, जैसे कि बैडलैंड्स में डेड बुश वाला मिथ, स्पूकी स्नो गोलम वाला मिथ, हीरो ब्रायन के बर्थ वर्ल्ड में एक स्पूकी आयरन गोलम वाला मिथ, हीरो ब्रायन की फेवरेट प्लेस यानी कि उसका फेवरेट पूल, एंड इनविजिबल स्पाइडर। सो ये सारे के सारे 5 मिथ्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अपने आप में एक स्पेशलिटी रहने वाले मिथ्स हैं। लेकिन आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सा मिथ पसंद आया है, या फिर कौन सा मिथ आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। एंड आपके सारे सजेशंस मैं नोट डाउन करती हूँ, तो आप लोग मुझे ये भी बता सकते हो कि आपको और कौन से मिथ देखने जो मैं टेस्ट करूँ। एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को,
एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ सारी चीजें कि कौन से मिथ आपको और भी देखने हैं। ओके सो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड, और अगर आपको मजा आया तो प्लीज हिट लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बडी एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।